तोड़ लो, एमएलए को खरीद लो, एमएलए का ऑक्शन लगाओ, नीलामी लगाओ, बोली करो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के प्रहरी है। अरे 8 दिन तो रुक जाते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लोकतंत्र का हत्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 8 दिन के अंदर ही ये खरीद फरोख्त ऑक्शन नीलामी सब कर डाला गया। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही ठीक ठाक होंगे, ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो डिबेट है, आज का जो बहस है, बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो कि इस डिबेट में हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और उनके ही जवाब में ठीक हैं सुप्रिया मैम, जो कि बहुत बड़ी मानी जानी है भाई। इन दोनों के बीच में बहस होता है तो मज़ा आ जाता है। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के जाना। दोस्तों, आज का जो बहुत ही शानदार होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके जाना। दोस्तों, चलिए मेन वीडियो के तरफ चलते हैं। दोस्तों में रह गई थी, इसलिए अपनी बात को पूरी कीजिए जल्दी से। सवाल यह है कि यही की सिर्फ चर्चा नहीं है, वहां पर तो अब एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, वहां पर भी आज आपके 2 विधायक छोड़कर चले गए हैं एनडीए में, आरजेडी के भी 1 विधायक चले गए हैं। बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री में लोगों का विश्वास है, राम मंदिर से अन्य पार्टियों ने जाने से प्राण प्रतिष्ठा में रोका, इसकी वजह से सब विधायक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। एक आगरा के तरुण है, नौकरी चली गई थी, आर्थिक तंगी से बदहाल होकर अपनी बीवी और लड़के के साथ फांसी लगा दी। एक रमेश बिंद है, मजदूरी करते थे, काम नहीं चल रहा था, कर्जे का बोझ लड़ता गया, फांसी लगा ली। मैं यूपी की बात, बिहार की बात कर रही हूँ। ब्रजेश पाल थे, सारी डिग्रियां जला दी, फांसी पर लटक के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। यह अविश्वास है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ, और ये अविश्वास आपको यूपी और बिहार की सड़कों पर भी दिख रहा है। जब पुलिस लोगों को, युवाओं को जो नौकरी की मांग जायज तरीके से कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की, आरओएआरओ की मांग कर रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये विश्वास है। एमएलए क्या करते हैं इसका जवाब जनता सही टाइम पर आने पर देगी। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की इस बात से 100% सहमत हूं कि ये परख भी है कि कौन कब किसके साथ खड़ा पाया जाएगा और कौन प्रेशर में आके चला जाएगा। आप भाजपा का मोडस ऑपरेंडी, और यही लास्ट बात में 20 सेकंड में कहना चाहती हूं अंजना जी, भाजपा का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है, एक पार्टी को तोड़ लो, एमएलए को खरीद लो, एमएलए का ऑक्शन लगाओ, नीलामी लगाओ, बोली करो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के प्रहरी है। अरे 8 दिन तो रुक जाते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लोकतंत्र का हत्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 8 दिन के अंदर ही ये खरीद फरोख्त ऑक्शन नीलामी सब कर डाला गया। अब आप पलट के ये बिल्कुल पूछिएगा कि यही लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता है, हर व्यक्ति लड़ नहीं सकता है, हर व्यक्ति कोई लोभ में, प्रलोभन में, कोई प्रभाव और दबाव में चला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल यह पूछना है कि आप सारी मान्यताएं, सारी मर्यादा ताक पर रखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने 2-3 वाक्य गिनाए, उनका कितना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में, उनकी आत्महत्याओं में पता चल रहा है। इस देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश में रोज 40 नौजवान बेरोजगारी से हताश और बदहाल होकर आत्महत्या कर रहे हैं, ये विश्वास है मोदी जी में लोगों का। ठीक है, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। बस की बात नहीं है कुछ जो आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी का बीजेपी का जादू है जिसकी वजह से ये चमत्कारिक विधायकों की इस तरफ एंट्री हो रही है और अंतरात्मा उनका जग रहा है, वो कह रही है कि कोई विश्वास नहीं है जी। देखिए ऐसा है, कभी जो तथाकथित प्रवक्ता और पत्रकार हैं, इनका संकट है कि भारत के इतिहास और लोकतंत्र की जानकारियां इनकी बहुत सीमित हैं। 1968 में दल बदल पर जो है यशवंत राव चौहान की एक समिति बनी थी, और 1951 से 1967 के बीच में विविध दलों के 542 विधायक वो अपना दल छोड़ के कांग्रेस में आए थे। तो नेहरू जी लोकतंत्र के हत्यारे थे, इंदिरा जी लोकतंत्र की हत्यारी थी, तब जो है ये घोड़ बाजार लगा दिया था इन्होंने, तब इन्होंने जो है ऑक्शन खोल दिया था, नीलामियां चल रही थी। 542 विधायक दल बदल आप पिछले 15 वर्षों में नहीं दिखा सकते,
लेकिन 542 विधायक 1968 की यशवंत राव चौहान की जो दल बदल पर कमेटी बनी थी उसमें है, और उसमें भूपेश गुप्ता एक जो है सीपीआई के एमपी उसके सदस्य थे उस कमेटी के, उन्होंने ये कमेटी बनी क्यों, उसका बहुत रोचक इतिहास है क्योंकि 1967 के बाद जो है 210 विधायक जो कांग्रेस के थे वो अन्य दलों में चले गए और उसमें से 112 अलग अलग राज्य मंत्री बन गए। तो कांग्रेस ने कहा कि दल बदल बहुत गलत काम है क्योंकि अब इनके विधायक टूटने लगे थे। तो भूपेश गुप्ता ने डिसेंट नोट में कहा था उस कमेटी के कि कांग्रेस पहले जब 542 विधायक तोड़ ले गई तब तो लोकतांत्रिक था, जब इनके 210 विधायक टूट गए तो अलोकतांत्रिक हो गया। तो इनके लोकतंत्र की और जो परिभाषा जो है वो बहुत ही अवसरवादी होती है, ये नेहरू के युग में भी थी, इंदिरा के युग में भी थी और आज भी चल रही है। तो इनका जो है लोकतंत्र की हत्या जो है वो हर दिन हो जाती है, लोकतंत्र फिर जो है जी जाता है, लोकतंत्र को क्या रक्त भी समझ रहे हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी आपके पास आओ, से पहले एक छोटा सा सवाल सुनिए ना जी, सुनिए ना, ये मुख्य सचेतक को कैसे अपनी तरफ कर लिया? आज सुनील जी का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है, एकदम मुख्य सचेतक को इधर कर लिया, करते क्या, कैसे क्या करते हैं आप लोग? देखिए ये राम जी की कृपा ही ऐसी है, राम जी की कृपा से जो है विभीषण जैसा ज्ञानी रावण को छोड़ के राम के पाले में आ ही गया था, ये आप जानती ही है। तो जब रामद्रोह कोई करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके नाभि का कि अमृत भी उसके काम नहीं आएगा, रामद्रोही के साथ संकट होता है। आशुतोष जी अभी थोड़ा आप मतलब अभी अभी तो ऐसे हमें इंतजार है कि रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स कुछ ही देर में आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। अंजना जी एक बात समझ लीजिए कि राम के पास विभीषण आए थे, आज तक आपने किसी का नाम सुना जिसका नाम विभीषण हो? राम के पास गए थे ना, तो अब ये आप मैथोलॉजी में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको आपको समझ में आएगा, धर्म में जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की सरकार संकट में है, क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद एक और सरकार गिरने वाली है? मुझे तो पूरी आशंका साफ दिखाई पड़ रही है कि अगर 6 विधायक जो है या 5 विधायक अगर और कुछ निर्दलीय के साथ अगर उनको पंचकुला ले जाया गया है सीआरपीएफ या हरियाणा पुलिस की निगरानी में, तो उसका मतलब ये स्पष्ट है कि अब ये योजना पूरी बन चुकी है कि किस तरीके से हिमाचल की सरकार जाएगी या गिराई जाएगी या गिरेगी, तीनों चीजें इसमें संभव है। पर यहां तो सत्ताधारी पार्टी ही कांग्रेस है, यहां पर मतलब अगर वीरभद्र सिंह के बेटे का खेमा अलग सुर नापता है तो उसकी वजह है या बीजेपी ने यहाँ पर किया है क्या? देखिए ये दोनों चीजें, किसकी गर्दन पकड़ी? बिल्कुल दोनों चीजें, अशोक गहलोत के अंदर क्षमता थी, उन्होंने अपनी सरकार नहीं गिरने दी, लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार को गिरने से नहीं रोक पाए, या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को गिरने से नहीं रोक पाए। तो दोनों चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार बार कहता हूँ ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कहते थे हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और जिनकी क्षमता इतनी थी कि 1998 में एक सांसद की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। तो ये दूसरी तरीके की भारतीय जनता पार्टी है, इसके मूल्य अलग है, इसकी मर्यादाएं अलग है, इनकी परंपराएं अलग है। और कांग्रेस पार्टी की मर्यादाएं अगर मूल्य, ये बात अगर कांग्रेस पार्टी नहीं समझ, देखिए अब ये अंतरात्मा की कहानी तो बहुत पुराने जमाने से चल रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी भले ही नेहरू के पास जाए, इंदिरा गांधी के पास जाए, सच्चाई तो यही है ना कि आज क्या क्या जो उन्होंने किया आप करेंगे तो पाक साफ हो जाएंगे क्या, या आपकी आलोचना गलत गलत हो जाएगी क्या? सच्चाई तो यही है ना कि अगर इंदिरा गांधी की वजह से या इतनी सरकारें नहीं गिरी होती तो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं होती। आप अगर उस स्थिति में जाना चाहते हो तो जाइए, आज नहीं 5 साल के बाद 10 साल के बाद तो स्थिति तो आएगी ना, लोग ये सवाल पूछेंगे और लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या कारण है कि अगर आप 400 सीट लेने की बात करते, 370 सीट लेने की बात करते, आप हर चुनाव में कुछ विधायकों खरीद फरोख्त होती है, हर चुनाव में जो भी सरकार विपक्ष को गिराने की कोशिश होती है, शुक्ला जी जवाब क्यों होती है? शुक्ला जी जवाब दीजिए, कहां विधायक लेके चल दिए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आपके नेता लगा हैं। फरोख्त जो है ये काल्पनिक, खरीद फरोख्त जो है ये काल्पनिक आरोप है, और आशुतोष जी जैसे समझदार व्यक्ति को बिना प्रमाण के किसी भी व्यक्ति के बारे में बिक गया कहना बहुत ही मुझे लगता है सस्ता आरोप है। खरीद फरोख्त भाई कोई किसी के विचार को नहीं स्वीकारता, सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे दल में जाता है तो सिर्फ वो घोड़ा ये बिकेगा ही हो, गजब है भाई, गजब की सोच है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जबरदस्त लहर है तो मनोज पांडे अगर ये जानते हैं कि रायबरेली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद चुनकर आएगा तो ऊंचा हर का विधायक आना चाह रहा है। अमेठी के
महाराजी देवी आप उनको कैंडिडेट बनाएंगे? जानते हैं कि अमेठी में जो है अब ना सपा जीतेगी ना सपा बसपा जीतेगी ना कांग्रेस रायबरेली में उनको कैंडिडेट बनाएंगे आप? एक जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो निर्णय लेती है। देखिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी पार्टी में, हम बहुत लोकतांत्रिक पार्टी हैं जी। यहाँ तो कमलनाथ जी का बेटा टिकट घोषित कर देता था छिंदवाड़ा में, इनके यहाँ राहुल गांधी घोषित कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके केंद्रीय निर्वाचन समिति ये तय करेगी, उनके सामने प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। दो हाथ उठे थे, जल्दी से एक बार आशुतोष जी एक छोटा रिएक्शन दे, सुप्रिया जी इसके बाद फौरन आ रहे हैं। आशुतोष जी नहीं देखिये, अब जो बात महत्वपूर्ण ये है कि भाई ये अंतरात्मा की आवाज चुनाव के ठीक पहले क्यों जगती है? हाँ। चुनाव के 10 दिन पहले जग जाती, चुनाव के 20 दिन बाद जग जाती, 22 जनवरी के बाद जगती, उस वक्त जगती ये, और उतने ही एमएलए उतने ही सांसदों की अंतरात्मा जगती जितनी की जरूरत होती सरकार को बदलने की। अंतरात्मा की आवाज पर भी आप बहस लगा देंगे, आप आपातकाल लगा देंगे। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, जो चीज आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है उसके लिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये विधायक क्यों टूट रहे हैं, ये विधायक क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, क्यों इनको सीआरपीएफ की मौजूदगी में इनको ले जाया जा रहा है। अगर डीके ने भी यही सब किया होगा, डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में जहां पर एक बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया है, या वहां पर अंतरात्मा जाएगी? गलत दूसरे गलत को सही साबित नहीं, बट सबको समझना पड़ेगा ना कि कौन क्या क्या खेल खेल रहा है। तो आप कहिए कि बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, फिर हिमाचल में क्यों नहीं कर रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा पूरा। बिल्कुल स्पष्ट है, एक गलत दूसरे गलत को सही साबित नहीं कर सकता, या इस आधार पे कि हम आज ये करेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या उनको तो जनता ने सजा दे दी ना। आप भी अगर उसी परिस्थिति को पाना चाहते तो फिर आप भी वही साफ करिए, फिर आप में उनके मन में क्या फर्क? शुक्ला जी क्या फर्क है फिर, अगर आप पूरी कहानी सुना रहे हैं कि उन्होंने ये किया था वो किया था फिर वही कर रहे हैं? देखिए बहुत फर्क है। देखिए हमने मध्य प्रदेश में जो है जब हाँ। विधायकों को तोड़ा तो विधायकों को त्याग पत्र दिलाया, फिर से उनको जो है जनादेश प्राप्त हुआ। हम जो है बिल्कुल जो है खरीद आया राम गया राम जैसे, राम को भी बदनाम करने वाला कृत्य नहीं करते। भजन लाल की पूरी सरकार यहाँ लेके चले आए थे, ये भी दशा हुई थी। अभी नारायण राणे को किस तरह से ले जाया गया था शिवसेना से तोड़कर, हर कोई भली भांति जानता है। उसके पहले जो है शिवसेना को कैसे तोड़ा गया महाराष्ट्र में, ये भी हर कोई जानता है। सपा वालों ने कैसे बसपा तोड़ी, कौन सी तब क्या हो गया था भाई? शुक्ला जी जनता का जनादेश ने कहा कि इसको आया और अंजेब गया और अंजेब करना चाहिए, तो आज से ही कर दीजिए ना, काहे बार बार बोल रहे हैं भगवान राम को, मत बोलिए आज से आया और अंजेब गया और अंजेब गया। हाँ ये सही नहीं है, राम को बदनाम करने का काम जो है राजनीतिक विश्लेषकों ने कांग्रेस के कारण पहले से ही कर रखा है। बोलना क्यों है फिर, बदल के ही बोलिए ना आप, नया कर दीजिए आज से। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। सुप्रिया मैम के बारे में क्या कहना चाहते हैं और सब इनके बारे में क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों हमें अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।